नमस्कार। हमारे कैमरा का लेंस हमारी आंखों की तरह होता है। अगर हम अंधेरे में होते हैं तो हमें कुछ भी साफ नहीं दिखता है, और अगर बहुत ज्यादा रोशनी में होते हैं तो आंख चौंध जाती है। इसलिए कैमरा से रिकॉर्डिंग करते समय हमें रोशनी का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को सब कुछ साफ दिखाई दे। इस प्रशिक्षण श्रृंखला में हम जानेंगे रोशनी के बारे में, और ये कि अच्छी रोशनी में हम वीडियो कैसे ले सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि वीडियो निर्माण के समय में रिफ्लेक्टर और डिफ्यूजर का हम अच्छी रोशनी के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चलिए। रोशनी के प्राकृतिक स्रोत होते हैं सूरज और चंद्रमा। चंद्रमा की रोशनी हमारे कैमरा के लिए बहुत ही कम होती है, और ना ही हमें रात के वक्त शूटिंग करनी होती है। तो हम अपनी वीडियो के लिए जिस प्राकृतिक स्रोत का इस्तेमाल करते हैं वो है सूरज। कृत्रिम स्रोत होते हैं बल्ब और ट्यूबलाइट, पर अक्सर बल्ब या ट्यूबलाइट की रोशनी इतनी कम होती है कि कैमरा में अच्छी वीडियो नहीं आती। हमें हमेशा यही कोशिश करनी होती है कि हम प्राकृतिक स्रोत का ही इस्तेमाल करें। इसलिए हम अपनी ज्यादातर शूटिंग बाहर ही करेंगे, ना कि कमरे के अंदर। रोशनी की तीव्रता अलग अलग हो सकती है, जैसे संतुलित रोशनी, बहुत कम रोशनी और बहुत ज्यादा रोशनी। हमें संतुलित रोशनी में ही शूट करना चाहिए। हम चाहे अंदर हों या बाहर, हमें ध्यान रखना होगा कि रोशनी संतुलित हो। इसीलिए अगर हम बाहर शूट कर रहे हैं तो ध्यान रखना होगा कि बहुत तेज धूप ना हो। यदि रोशनी ज्यादा होगी तो चीजें चमक की वजह से साफ नहीं दिखेंगी। अंदर अक्सर कम रोशनी आती है, रोशनी कम होगी तो अंधेरा सा दिखेगा। बाहर प्राकृतिक यानी सूरज की रोशनी में भी हमें छांव ढूंढकर वहां शूटिंग करनी चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कुछ धूप कुछ छांव ना हो, नहीं तो कहीं ज्यादा चमक और कहीं ज्यादा अंधेरा। छांव में समान रोशनी मिलती है। फायदा तो यह है कि कभी हम करा खेती पथारी करे के लिए, चाहे माल के गोते भूसा लेवे के लिए, चाहे कोई चीज के लिए, माने कार व्यवहार करे के लिए छोटा समूह बना लिए। हाँ, अच्छी समान रोशनी वाला शॉट कुछ इस तरह का दिखेगा, जहां सब साफ से नजर आ रहा है, कोई परछाई नहीं बन रही। हमें इसी तरह का शॉट लेने की कोशिश करनी चाहिए। जमीन कम हो तो आप बोरे में मिट्टी डाल के और जैविक खाद रख के उसमें आप सब्जी उगा सकते हैं। हमारी रोशनी का स्रोत किस तरफ है, इसका ध्यान रखना जरूरी है। लोगों या चीजों के ऊपर रोशनी जब सामने से पड़ती है तब अच्छी लगती है। यदि रोशनी का स्रोत व्यक्ति या वस्तु के पीछे है तो वो अंधेरे में दिखेगा, जैसे यहाँ। सर, फायदा तो बहुत है। जो पहले हम लोग मूर्ति के कारोबार करते हैं तो लोन पर लेते थे पैसा 10% पर, अब समूह से 20,000-30,000 ले लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, फिर छठ के बाद सधा देते हैं। यदि रोशनी साइड से आ रही है तो जिस तरफ से रोशनी आ रही है वो साफ दिखेगी, पर दूसरी तरफ अंधेरा दिखेगा। हम लोग नवंबर माह से शुरू करते हैं। सबसे पहले गेहूँ का खेती उस समय होता है, वो करते हैं। गेहूँ के बुआई श्री विधि से खेती होता है। अगर रोशनी का स्रोत बिल्कुल ऊपर है तो बहुत परछाई बनेगी जो अच्छी नहीं लगती। लोगों की आंखों के नीचे भी परछाई बन जाती है। सुधो भर ली, इससे प्रॉफिट फायदा है, जीविका के से उधार हमें आर का हटिए,
जब से जीविका भेले तब से हमारे सबके गरीबी गेलै। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारा रोशनी का स्रोत हमारे फ्रेम में ना आए, वरना बाकी सारी चीजें अंधकारमय दिखेंगी, जैसे कि यहाँ जो दीदी का उसमें से जरूरत पड़ गया कि हमें 200 का जरूरत है, 500 का जरूरत है, वो लेकर अपना काम भी करती हैं और प्लस उसको 2 रुपए के हिसाब परसेंट से वो अपना पैसा को वापस भी करती हैं। हमारे प्राकृतिक स्रोत की दिशा समय के हिसाब से तय होती है। वीडियो शूटिंग का सबसे सही समय सुबह का और शाम का होता है, क्योंकि इन दोनों वक्त सूर्य की रोशनी बहुत तेज नहीं होती और ये वक्त शूटिंग करने के लिए उचित है। सूर्योदय का समय और सूर्यास्त का समय शूटिंग करने के लिए सबसे उचित और उपयुक्त माना जाता है, इसलिए इसको हम सुनहरे घंटे या गोल्डन आवर के नाम से भी जानते हैं। इस समय रोशनी मंद और हल्की होती है, या हम कह सकते हैं कि रोशनी सीधे नहीं पड़ती। इस समय शूटिंग करने से विषय के रंग खिलकर और उभर कर आते हैं, और इसके साथ ही साथ इस समय किसी भी प्रकार की परछाई का निर्माण नहीं होता और सभी वस्तुओं पर समान रोशनी पड़ती है। तो दीदी लोग तैयार हो गई और बचत जमा करने लगी। जमा होने के बाद हम उनका खाता बैंक में खुलवाए। फिर खाता बैंक में जब खुला उनका, तो फिर संस्था द्वारा, जीविका द्वारा उन्हें 50,000 का ICF लोन दिया गया। एक और जरूरी बात, अगर विषय छाया में है तो कैमरा को भी छाया में होना चाहिए, और अगर विषय रोशनी में है तो कैमरा को भी रोशनी में रखना चाहिए। यदि हम बाहर खड़े होकर अंदर कमरे की शूटिंग करेंगे तो कमरे में अंधेरा दिखेगा, और यदि हम अंदर खड़े होकर बाहर की शूटिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा रोशनी दिखाई देगी। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि हमें पूर्ण रूप से समान रोशनी नहीं मिलती। ऐसे में हम कुछ आसान तरीकों से रोशनी को समान बना सकते हैं। हमारे पास रिफ्लेक्टर और डिफ्यूजर होता है, जिसे हम कुछ हद तक रोशनी को समान करने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसमें एक तरफ चमकीला होता है जो रोशनी रिफ्लेक्ट करता है, यानी रोशनी देता है, और दूसरी तरफ समपारदर्शी होता है जो रोशनी को थोड़ा मंद कर सकता है। सबसे पहले समूह में जुड़ लिए, तब 10 रुपया बचत कर लिए साप्ताहिक बैठक में हफ्ते हफ्ते। तकर बाद उसे 10 रुपये संग्रह जखने चाहे छे तखनी ओमे से पैसा उठाकर अपना बिजनेस कैली, खेती कैली, यह फायदा होले। सबसे प्रथम जीविका में जुड़ लिए, साप्ताहिक बैठक में 10 रुपया का जमा कर लिए। तकर बाद धीरे धीरे 2 रुपये संग्रह ओमे भरत छे, जमा करत छे, और HR में जमा पैसा होइ छे, ओमे से उठा कर बीमारी में इलाज से इलाज करवा छे। जाते जाते मैं आपको कुछ एक सुझाव भी देता हूँ। हमारे किरदार कभी भी सफेद रंग के कपड़े ना पहने। ध्यान दें कि वो धारीदार शर्ट ना पहने, ज्यादा चमकदार प्रभाव और सफेद बैकग्राउंड से बचना चाहिए। अब चलता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी वीडियो बनाते समय रोशनी का ध्यान रखेंगे। और जाने से पहले मैं आपको कुछ शॉट दिखाता हूं, जिन्हें आप देखें और पहचानें कि उनमें रोशनी उपयुक्त है कि नहीं। नमक के घोल को अच्छी तरह मिला करके उसमें धान का बीज डालें।